हाँ मैडम, आज हम आप लोगों को हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में जो आएगा महत्वपूर्ण, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं मैडम। ठीक है, इसी को तैयार करना, निश्चित है 100% आप परीक्षा में 90% के ऊपर पाएंगे। ठीक है, ग्रामर पोर्शन में हमने आपको एप्लीकेशन एक एपिसोड बता दिया, आज केवल इम्पोर्टेंट बताएंगे बेटा। ठीक है, जो आपका फर्स्ट पेपर का इम्पोर्टेंट होता है उसको बताया जा रहा है। ठीक है, बहुत ध्यान सुनना, हमारी बात सुन रहे ना, और इतना ही पढ़ना, इसके अलावा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बात पक्की? गुड। तो सबसे पहला क्वेश्चन सेंट्रल आइडिया के बारे में बता रहे बेटा। सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया में हमने 4 पार्ट सेट किया है। देखो बेटा, हम भगवान तो है नहीं, लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा है कि जो बताएंगे वही आएगा, साफ साफ बता दे रहा हूँ, नहीं बाद पछताओगे। ठीक है, तो ध्यान से एकदम बिल्कुल सुना, 4 पार्ट हमने आपको बताया बेटा, उसको दिमाग पर रखना। सेंट्रल आइडिया के लिए पहला पार्ट है डस्ट ऑफ स्नो, दूसरा पार्ट है एक टाइगर इन द जू, तीसरा पार्ट है फॉग, चौथा पार्ट है अमांडा। ये 4 पार्ट का सेंट्रल आइडिया आपकी जुबान पर होना चाहिए बेटा, कसम खा लिया पक्का? तो बच्चा नो गच्चा, ध्यान रहे, अगर जितना हम बता रहे हैं इतना कर लिया तो कभी गच्चा नहीं खाओगे। इन 4 पार्ट में एक जरूर आएगा, चाहे कोई भी, 7 सेट बनेंगे, 7 सेट में से ऐसा सेट करना है कि आपको एक तो करना होगा, एक मिल जाए, तो 4 आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा। ठीक है, इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं बेटा अगला, ए लेटर टू गॉड, इस पार्ट का लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लेंचो का करैक्टर याद कर लेना, किसको याद करना? लेंचो का करैक्टर याद करना। इसका जो 60 क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है बेटा इस पार्ट से। व्हाट वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड, घर कहां पर स्थित था, याद होगा। दूसरा क्वेश्चन इसका 60 बनता है बेटा कि व्हाई डिड लेंचो कॉल द पोएट ऑफ हिज एम्प्लॉय ए बंच ऑफ क्रुक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। ये 2 60 पढ़ लेना इस पार्ट से, और एक करेक्टर पढ़ लेना किसका, लेंचो का। अब दूसरा पार्ट नेल्सन मंडेला, लॉन्ग क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट एक बनता है कि हु वाज नेल्सन मंडेला, व्हाट आइडिया डिड ही सेंड आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है इस पार्ट से, तो पक्का याद कर ले लो पक्का। तीसरा पार्ट है द डेयरी ऑफ एने फ्रैंक, इसका लॉन्ग क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट बता बेटा, एने फ्रैंक का करेक्टर। एक चीज बता बेटा, कभी कभी डायरेक्ट करेक्टर पूछता है, कभी कभी हु वाज एने फ्रैंक, व्हाट इज इट हर फैमिली बैकग्राउंड, ये पूछा जाएगा, तो ध्यान रहे क्वेश्चन घुमाया जाएगा, लेकिन लिखना आपको यही पहले यही है, एने फ्रैंक का करेक्टर याद कर लेना, हमारी बात सुनो ना, क्वेश्चन घुमा करके पूछेगा लेकिन मैटर यही पूछेगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखना। अब आगे अगला पार्ट है चौथा, ग्लिम्स ऑफ इंडिया, इसके 60 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाउ डू द पीपल ऑफ कुर्ग डिफर फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसी पार्ट का 60 क्वेश्चन पॉइंट है, वेयर इज कुर्ग, पक्का एक टाइम तीनों में से 60 एक पक्का फंसना है। अब 7 सेट हैं तो किसी न किसी में से मिलेगा। नंबर 5वां पार्ट मैडम राइट्स द बस, इस पार्ट से 60 क्वेश्चन बनता है बेटा कि व्हाट वाज बेलीज डीपेस्ट डिजायर, बल्ली ना, व्हाट वाज बल्लीज डीपेस्ट डिजायर, ये पक्का आयुटा ध्यान रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
और इसी का लॉन्ग क्वेश्चन है कि व्हाई डज द कंडक्टर कॉल बल्ली मैडम, मैडम कह करके को बुलाता है कंडक्टर। यह भी क्वेश्चन लॉन्ग इंपॉर्टेंट बनता है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद छठा पार्ट द सर्मन एट बनारस, इसमें जितना बता रहे हैं उतना पढ़ना बेटा, जरूर पढ़ लेना, बाकी तो सब आप चाहे जितना पढ़ना, लेकिन जो हम बता रहे हैं इसको जरूर पढ़ के जाना। यही है आपका 60 क्वेश्चन इसका बनेगा बेटा। वेयर डिड बुद्धा टीच हिज फर्स्ट सर्मन, ये 60 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड कमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, 100% नोट कर लो बच्चों, ध्यान रहे जितना बता रहे हैं बिल्कुल पक्का है। अब इसी पार्ट का लॉन्ग क्वेश्चन है कि व्हाट डिड बुद्धा टीच अबाउट डेथ एंड सफरिंग, ये 60 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग के लिए भी, तो लॉन्ग आप याद कर लेना, 60 अपने आप लिख लोगे पक्का, ये लॉन्ग क्वेश्चन थे, ठीक है। अब इसके अलावा हम आपको बता रहे हैं सप्लीमेंट्री वाला, उसमें हमने सब पार्ट नहीं लिया, 4 पार्ट केवल लिया बेटा, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, 4 पार्ट लिया बोले, और भी इंपॉर्टेंट है लेकिन 4 जो हमने लिया है इसमें से आपको जरूर मिलेगा, ठीक है पक्का, कॉन्फिडेंस रखना कि जो पाठक बता रहे हैं वो 100% आएगा बेटा, नहीं तो। पहला पार्ट है अटेम्प्ट फॉर सर्जरी, इसका 60 क्वेश्चन आप नोट कर लो बेटा। हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ द डॉग ट्रिकी, ये आपके पेपर में छपा हुआ है, अभी बता दे रहे हैं पक्का छपा है बेटा। क्वेश्चन दूसरा 60 इसका है, व्हाट वॉज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100% आएगा ऐसा कुछ, व्हाट डिड हैरियट डू टू सेव ट्रिकी, ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं समझे तो प्रश्न पूछने के तरीके होंगे, मैटर लिखना वही है, क्वेश्चन घुमाएगा भले लेकिन आपको लिखना वही है, याद करना बेटा। इसका बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, पम्फ्री का करेक्टर, पम्फ्री का करेक्टर याद कर लेना, कोई भी चीज पूछी जाए ठाक लगा दो पक्का, गुड। अब इसी पार्ट, इसी सप्लीमेंट्री का दूसरा है द थीफ्स स्टोरी, चोर की कहानी, इसका लॉन्ग क्वेश्चन बेटा, अनिल का करेक्टर याद कर लेना पक्का आएगा, ध्यान रखना अनिल का करेक्टर पक्का। इसका 60 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि व्हाट काइंड ऑफ थीफ हरी सिंह वाज, वैसे मालूम है आपको चोर का नाम हरी सिंह वास्तव में नहीं था लेकिन यहां तो हरी सिंह ही कहा जाएगा, तो क्या व्हाट काइंड ऑफ थीफ हरी सिंह वाज, हरी सिंह किस प्रकार का चोर था पक्का, ये इंपॉर्टेंट है। अब फुटप्रिंट्स विदाउट फीट मोस्ट इंपॉर्टेंट पक्का है आएगा, तो क्या करना है इसमें देखो, या तो करेक्टर ग्रिफिन का करेक्टर आएगा, या देखो क्वेश्चन कैसे पूछा है, हु वाज ग्रिफिन व्हाट हैड ही डिस्कवर्ड, अरे यार वही ग्रिफिन का करेक्टर लिखना है, हु वाज ग्रिफिन व्हाट ही हैड ही डिस्कवर्ड, ये क्वेश्चन है तो ग्रिफिन का करेक्टर लिख दो, अपने आप सब हो जाएगा, लाल एस पर्सन सेंट्रिक साइंटिस्ट फलाना धमाका, हमारी बात सुनो ना, लिख लोगे ना, इसका लॉन्ग क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। 60 इसका इंपॉर्टेंट है कि व्हाट डिड ग्रिफिन डू टू बिकम इनविजिबल, अदृश्य होने के लिए ग्रिफिन ने क्या किया, इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसी का एक पार्ट और हमने सेलेक्ट किया था, चौथा भोली जो नाम पाठ, पढ़ा तो होगा यार, अरे यार हाई स्कूल के इम्तिहान देने जा रहे हो, पढ़े तो हो गए, तो भोली जो है इसका करेक्टर आपके पेपर में छपा हुआ है, ध्यान रहे 100% नो डाउट पक्का। मेरे प्यारे बच्चों गोलगप्पू, ये जितना हम बता रहे हैं सब बिल्कुल याद रखना, नहीं तो फिर पेपर देने के बाद जब बाहर निकलोगे और ये यार पठकवान बताया था हमने ध्यान नहीं दिया, ये ना कहना पड़े, हमारी बात सुनो ना, तो जितना बता रहे हैं उतना तैयार कर जाओ, पूरी भविष्यवाणी है पक्का, प्रोफेसी कर रहे हैं। अब ये ना कहना कि हमने पाठक ने पेपर सेट किया है, नहीं पता लगा पुलिस हमारे घर पहुंच जाए, हम तो अपना अंदाजा बता रहे हैं बेटा,
लेकिन आएगा 100%। ठीक है, अब इसी का 60 क्वेश्चन हो रहा कि व्हाई डिड सुलेखा स्टार्ट स्टैमरिंग, हकलाना उसने क्यों शुरू कर दिया था। ये क्वेश्चन 60 में 100% आएगा, कम से कम 3 पेपरों में आपकी बार आएगा। कितने पेपर में? 3 पेपर, 7 सेट बनते हैं तो 3 सेट में पक्का रहेगा, बात पक्की, इतना दिमाग में रहेगा, गुड। अब एक लड़के ने अभी कमेंट करके पूछा है कि गुरुजी मान लीजिए कि हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं और हमको किसी शब्द की इंग्लिश नहीं आ रही, तब क्या करें? तो घबराना नहीं बेटा, पाठक स्टाइल समझो। लड़के अक्सर उसकी जगह छोड़ देते हैं, तो एग्जामिनर को दूर से बताते हैं कि सर ये मुझको नहीं आ रहा, तो एग्जामिनर को पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधे खींचेगा, 10 नंबर का क्वेश्चन है 2 नंबर दे देगा। तो कभी ये गलती ना करना कि आप ट्रांसलेशन कर रहे हो, मान लो कोई शब्द कठिन आ गया और उसकी अंग्रेजी तुमको नहीं आ रही, तो सीधे वही उच्चारण लिख दो उसी का जो शब्द उसमें लिखा है। जैसे आपको बताएं, एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, ठीक है, एग्जांपल ये है कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ अपनी आवाज को उठाया, ठीक है। अब इसके इसका आपको ट्रांसलेशन करने के लिए आ गया, तो लड़का कहेगा यार सती प्रथा ये सब क्या है, इसकी अंग्रेजी क्या होती है? नो, दिमाग ज्यादा लगा रहे बेटा। राजा राम मोहन राय रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट सती प्रथा, ऐसे लिखना, सती प्रथा ऐसे लिख देना, आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा बेटा, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। एक लड़के ने प्रश्न किया, गुरुजी लिखते समय मान लीजिए कोई स्पेलिंग हमारी गड़बड़ हो रही है, देखो बेटा आपका 2 क्वेश्चन तो एग्जामिनर अच्छे ढंग से देखता है, उसके बाद वो उसकी कलम चल जाती है, खटाखट आपको नंबर देना शुरू कर देता है बेटा, लेकिन 2-1 क्वेश्चन तो पढ़ेगा जरूर, पक्का है, हमारी बात सुनो। अगर आपका स्पेलिंग, अगर आप स्कॉलर स्टूडेंट हो और लिखते समय आपकी स्पेलिंग कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई, तो उस पर परेशान न होना, एग्जामिनर इसको इग्नोर कर देता है, ठीक है, हमारी बात सुनो, पूरी बात बता रहे हैं, लेकिन लिखना जरूरी है, पता लगा कि तुमको लिखने से अगर चूक गए तो फिर नंबर लिख को थोड़ी देगा, लिखना तो आपको पड़ेगा ना बेटा, पक्का। अब एक पॉइंट और आपके यहां चल रहा, पैराग्राफ लिखने के लिए आता बेटा, पहले ऐसे लिखने के लिए आता था, अब पैराग्राफ लिखने के लिए आता, तो ध्यान रहे पैराग्राफ में एक ही पैराग्राफ आप लिखना, 10 पेज लिखोगे तो एको नंबर नहीं देगा एग्जामिनर, वो सोचेगा कि सब गलत ही सही लिखा होगा, मूर्ख बना रहा है। एक पैराग्राफ अच्छे ढंग, उसमें हिंट भी दिया रहे, छोटे छोटे वाक्य बना करके लिखना, ठीक है, छोटे छोटे वाक्य बना करके लिखना, अब हिंट दिए रहता है, बस हो ना, उसमें हम इंपॉर्टेंट आपको बता दे रहे हैं अपने मन से, अगर आपको थोड़ा बहुत लिखना है, पहली बात तो एक स्टैंजा में आना चाहिए, एक स्टैंजा मतलब 10 लाइन से 15 लाइन के बीच में, यानी कि दूसरा पेज इस पर न लगाना पैराग्राफ पे, ठीक है, एक ही पेज पर सब आना चाहिए। तो इसमें हमने जो सेट किया है वो आप लोग लिख लो, पहली बात तो माई बेस्ट टीचर पे आएगा पैराग्राफ लिखने के लिए, माई बेस्ट टीचर 100% आएगा, कम से कम 3 सेट में आएगा। दूसरा हमने बताया माई बेस्ट फ्रेंड, नोट कर लो बेटा, 100% आएगा, नो डाउट, नहीं तो बाद में इम्तहान देख बाहर निकलोगे तो पछताना पड़ेगा आपको, ये 2 तो बिल्कुल अपनी जुबान पे ये दोनों तैयार कर लो। अच्छा एक होशियारी बताया बेटा, माई बेस्ट टीचर आ गया तो मान लीजिए कि माई फादर पे आ गया, तो माई फादर को माई बेस्ट टीचर बना दो, खट लिख दो, पूरा ऐसे बन जाएगा, दिमाग लगाया करो। द पर्सनालिटी यू लाइक मोस्ट, तो मुझको अपने गुरुजी की पर्सनालिटी पसंद है जो याद करो, माई बेस्ट टीचर याद करोगे तो आपके कईयों समस्या हल हो जाएगी। योर प्रिंसिपल पे आ गया
तो माई वही टीचर, माई बेस्ट टीचर, प्रिंसिपल के यहाँ टीचर हो जाएगा। तो एक ही साधे सब सदे, होशियारी बता रहे हैं मैडम कि माई बेस्ट टीचर पर याद रखो, उससे माई योर प्रिंसिपल, माई कॉलेज प्रिंसिपल, माई फादर, द पर्सनालिटी यू लाइक मोस्ट, चार चार यस से कवर हो रहे हैं। कोई प्रॉब्लम कर लोगे पक्का? गुड। माई बेस्ट फ्रेंड पर तैयार कर रहे हैं मैडम। दूसरा एन इंडियन फार्मर, एन इंडियन फार्मर पर भी ऐसे आपको तैयार होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है बहुत। माई टाउन आर माई विलेज, अरे यार गांव में रहते होगे या कस्बे में रहते होगे, शहर में रहते होगे, तो अपने माई टाउन या माई विलेज पर आपको एहतियात करना है। और कभी कभी माई टाउन पे आएगा, किसी किसी माई विलेज पे आएगा। बात पक्की? तो माई टाउन पर अगर याद है तो माई विलेज अपने आप लिख लोगे, और माई विलेज पे याद है तो माई टाउन भी लिख लोगे। अब माई स्कूल, यह भी आप इससे याद करके आना उठा। इतना हमने बताया माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट टीचर, माई बेस्ट फ्रेंड, एन इंडियन फार्मर, माई टाउन आर माई विलेज, माई स्कूल, इतना इससे याद करना। अब ज़्यादा प्रोपोगंडा हम नहीं फैलाएंगे, जितना हम बता रहे हैं उतना तैयार करके जाओ, 100% आपको पूरा पेपर फंसेगा, ठीक है? और आप अच्छा स्कोर भी करोगे। थैंक यू डॉ।